हमारे शास्त्र बतलाते हैं कि अगर कोई कुंवारी लड़की अथवा तो कुंवारा लड़का किसी पराई स्त्री को, पराई लड़की को अपने हाथ से स्पर्श करता है तो उसका तेज, उसका बल, उसकी आयु सब नष्ट हो जाती है, सब नष्ट हो जाती है। इसीलिए एक अविवाहित लड़की के लिए और एक अविवाहित लड़के के लिए दूसरी सबसे बड़ी तपस्या यही है कि वह कभी भी पराए लड़के और पराई लड़की का हाथ न छुए, उसका शरीर न छुए। इससे आदमी का तेज, बल और आयु सब नष्ट हो जाता है। जैसे रामायण में ही कथा है, रामायण में रावण की कथा है, रामायण में वर्णन है कि रावण जो है इतना बलवान था, इतना बलवान था कि रावण जब अपने महल से बाहर निकलता था और इस धरती पर अपना पांव रखता था तो चलत दशानन डोलत अवनी, पृथ्वी थर थर कांपने लगती थी। सारे देवता लोग उसके चरणों में शीश नवाते थे। इतना उसके पास बल था, इतना उसका खौफ था। लेकिन ऐसा बलवान रावण भी, इतना बलवान था कि शिव और पार्वती जिस कैलाश पर्वत पर बैठते हैं उस पर्वत को भी गेंद की भांति उठा लिया था। इतना बलवान था, इतनी शक्ति थी रावण के पास। लेकिन इतना बलवान रावण भी एक दिन माता सीता जी का हरण करके अपने विमान में बैठा करके लंका में लेकर जा रहा था। उस समय एक पक्षी जटायु जी ने उसको रोका और रोकने के क्रम में ही जटायु जी ने ऐसे बलवान रावण को एक चोंच मारा ना, तो वह इतना बलवान रावण जो है एक क्षण के लिए मूर्छित होकर धरती पे गिर गया। माता पार्वती जी ने जब यह कथा सुनी तो तुरंत उनको आश्चर्य हुआ और तुरंत उन्होंने शिव जी से पूछा कि भगवान, ये रावण इतना बलवान था और इतना बलवान रावण को एक पक्षी ने चोंच मारा और ये मूर्छित हो गया, इसका बल कहां चला गया, एक ही चोट से मूर्छित हो गया, इसका बल कहां चला गया, एक ही चोट से मूर्छित क्यों हो गया। उस समय भगवान शिव जी ने कहा कि देवी, यद्यपि यह रावण बहुत बलवान था लेकिन चूंकि इसने जो है पराई नारी भगवान राम की स्त्री को इसने कुदृष्टि से देखा था और कुदृष्टि से इसने कुभाव से जो है पराए पुरुष की नारी को जो है स्पर्श किया था, माता सीता जी को इसने छुआ था और इसी के कारण, पराई नारी को छूने के कारण जो है, यद्यपि इसमें बहुत बल था लेकिन पराई नारी को, दूसरे की नारी को छूने के कारण जो है इसका सारा बल और तेज नष्ट हो गया। इसीलिए एक साधारण पक्षी के चोंच मारने से भी ये मूर्छित हो गया। रामायण में भगवान शिव जी माता पार्वती जी को ये बात कहते हैं, रावण बहुत बलवान था लेकिन उसने माता सीता जी, दूसरे की पत्नी को उसने कुदृष्टि से देखा था और दूसरे की पत्नी को जो है उसने छुआ था और पकड़ करके लंका में लेकर जा रहा था। इसीलिए यद्यपि बलवान था लेकिन यह गलती करने के कारण उसका बल नष्ट हो गया, उसका तेज नष्ट हो गया और एक साधारण से पक्षी के चोट से, जटायु जी के चोंच के चोट से वो मूर्छित हो गया। रामायण के इस प्रसंग से आजकल के जो युवा लड़के हैं और लड़कियां हैं, जो कुंवारे लड़के और लड़कियां हैं, उन सबको बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए कि कभी भी जो है
एक कुंवारी लड़की को कभी भी पराए लड़के को स्पर्श नहीं करना चाहिए, पराए लड़के का कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। और इसी तरह एक लड़के को भी कभी भी पराई लड़की का स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है समाज का, बहुत दुर्भाग्य है, जहां पर इतना बलवान रावण एक बार केवल माता सीता जी को छुआ, हाथ से छुआ तो उसका बल और तेज नष्ट हो गया। वहीं पर आज जो है, आज के युवा लड़के और लड़की जो है स्कूल कॉलेज में पढ़ने के नाम पर जाते हैं और वहां पर जो है दोस्ती के नाम पर हाथ मिलाते हैं। क्या ऐसे बच्चों का और बच्चियों का तेज और बल नष्ट नहीं होगा? निश्चित होगा। अरे हाथ ही मिलाए इतना ही नहीं, लोग गले मिलते हैं दोस्ती के नाम पर। आजकल के लड़के और लड़कियां जो है जिनका आपस में कोई संबंध नहीं, वो गले मिलते हैं। और आजकल के लोग भी, माँ बाप भी इसको बड़ा फैशन मानते हैं, फैशन मानते हैं और अपने बच्चे को जो है मॉडर्न मानते हैं और इसको लोग जो है प्रगति मानते हैं, विकास मानते हैं। परंतु वास्तव में ये विकास नहीं, ये विनाश है। आजकल के बच्चों को जो है रामायण के इस प्रसंग से सीख लेनी चाहिए कि कभी भी एक कुंवारे लड़के को, कभी भी जो है पराई लड़की पराई नारी को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाँ, छूना है तो पांव छूना चाहिए प्रणाम करने के लिए, और कोई अंग नहीं। और इसी तरह एक लड़की को भी जो है कभी भी पराए लड़के का स्पर्श नहीं करना चाहिए।